हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। आज का जो वीडियो है वो बीए इंग्लिश ऑनर्स पे है। अगर आप बीबीएम की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर वन में है और अभी तक आपको पता नहीं है कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं, बुक्स कहाँ से ख़रीदना है और प्राइस क्या होगी बुक्स का, अगर बुक नहीं ख़रीद सकते हैं तो फिर उसके स्थान पर हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला बुक आप लोग को पढ़ना है वो है रामायण। रामायण बुक टू आपको पढ़ना है और आप देख सकते हैं ये आरसी दत्त के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि आप लोग को सजेस्टेड किया गया है सिलेबस में। तो ये उसका स्क्रीनशॉट है उस बुक का। इसका आपका अमेजन प्राइस जो पड़ेगा वो पड़ेगा 295 रुपये, इसका प्राइस आपको लगेगा। अगर आप किंडल यूज़र हैं, अगर आप किंडल यूज़ करते हैं तो किंडल में इसका और आपको जो है पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अब इसको फ्री में किंडल पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑडिबल यूज़ करते हैं तो ऑडिबल में भी रामायण का ऑडियो बुक जो है अवेलेबल है, फ्री में पढ़ सकते हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो 295 रुपये इसका प्राइस है। प्राइस जो है ये अप एंड डाउन होते रहता है, तो आप लेटेस्ट इसको जा करके चेक कर सकते हैं अमेजन पर। अगला जो बुक है आपका वो है महाभारता। महाभारता इसका प्राइस जो है वो है आपका 220 रुपया। ऑनलाइन प्राइस का मैं बात कर रहा हूँ, अप एंड डाउन होता रहता है। अगर आप ऑडिबल यूज़ करते हैं तो ऑडिबल में इसको आप फ्री में सुन सकते हैं। अगर आप किंडल भी यूज़ करते हैं तो किंडल में आप फ्री में इसको पढ़ सकते हैं। महाभारत का इसमें जो है सभा पर्व, उद्योग पर्व और स्त्री पर्व, तीन पर्व यहाँ पर दिया हुआ है और आपको इसमें मात्र एक ही पर्व पढ़ना, वो है सभा पर्व, तो वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो इस बुक को आप जो है प्रेफर कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा महाभारत की और भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें कंप्लीट महाभारत भी है। और सभा पर्व अगर आप अलग से पढ़ेंगे तो मैंने देखा कि उसका चार्ज बहुत ज़्यादा था, प्राइस बहुत ज़्यादा था, यही लगभग 500-600 रुपये का प्राइस था, कुछ 3000 रुपये का भी प्राइस था। यह बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। सभा पर्व इसमें भी आपको मिल जाएगा, 220 रुपये में अवेलेबल है यह ऑनलाइन अमेजन पर। अगर आप ऑडिबल यूज़ करते हैं तो आप महाभारत को फ्री में सुन सकते हैं, किंडल यूज़ करते हैं तो उसमें आप महाभारत को फ्री में पढ़ सकते हैं। अब ये ऑडिबल क्या है, किंडल क्या है, यह आप यूट्यूब पे एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। ऑडिबल में आप ऑडियो बुक को सुन सकते हैं और किंडल में आप पीडीएफ बुक जो है वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट बुक है वो है मृच्छकटिका या मृच्छकटिकम, जो कि शूद्रक के द्वारा लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, आपको ये इंग्लिश में और भी कई लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है, लेकिन आप लोग को ये पढ़ना है। MR KEL के द्वारा जो ट्रांसलेट किया गया ये बुक आप लोग को पढ़ना है। इस बुक का ऑनलाइन प्राइस है आपका 300 रुपीज़। अगर आप किंडल यूज़ करते हैं या फिर ऑडिबल यूज़ करते हैं तो फ्री में अवेलेबल है ये, लेकिन हाँ इसका आपको हिंदी वर्जन आपको मिल जाएगा ऑडिबल और किंडल में। आप हिंदी वर्जन में भी इसको पढ़ सकते हैं, चीज़ को समझ सकते हैं, फिर बाद में आप आंसर करते समय इंग्लिश में खुद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश में ही अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप ये बुक को परचेज कर सकते हैं। मृच्छकटिका या मृच्छकटिकम, शूद्रक के द्वारा लिखा हुआ है, ट्रांसलेट किया होना चाहिए MR KEL के द्वारा। इसका ऑनलाइन प्राइस 300 रुपये है। जितना भी मैं बुक के बारे में आपको बता रहा हूँ सबका ऑनलाइन जो परचेज का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके जा करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आप पता कर लेंगे अगर ऑफलाइन मार्केट में अगर ये अवेलेबल आपको मिलता है तो ऑफलाइन मार्केट में आपको ऑनलाइन के तुलना में कुछ सस्ता में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे शिल्पटीकरण, ठीक है, द टेल ऑफ एन एंकलेट, ये बुक आपको पढ़ना है। इस बुक का जो है ऑनलाइन प्राइस आपको पड़ेगा 314 रुपये। 314 रुपये इसका ऑनलाइन प्राइस है। अगर आप इसको फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑडिबल यूज़ कर सकते हैं, ऑडिबल में आप फ्री में इसको सुन सकते हैं हिंदी वर्जन। इसके अलावा आप किंडल में इसको पढ़ सकते हैं, इसका पीडीएफ बुक फ्री में, बट इसका सब्सक्रिप्शन आपके पास में होना चाहिए। अगर आप इसे फ्री में यूज़ करना चाहते हैं ऑडिबल या किंडल में, तो वहाँ पर आपको इस नाम से सर्च करना पड़ेगा, शिल्पटीकरणम। यहाँ पर CH ना लिख करके S लिखा हुआ है, थोड़ा सा अंतर है। आपको इस नाम से सर्च करेंगे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अमेजन पर, जहाँ पे ऑडिबल में आप फ्री में सुन सकते हैं और किंडल में आप इसे पढ़ भी सकते हैं फ्री में। नहीं तो फिर एक ही ऑप्शन है, आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए, 314 रुपये इसका प्राइस है।
नेक्स्ट बुक है आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। देखिए इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पर बहुत ही मुश्किल से यह मुझे ढूंढ करके मिला हुआ है और इस तरह का बुक नहीं है। नोट्स वगैरह अवेलेबल है लेकिन वो काम का नहीं है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा आपको पड़ेगा। ये आपका जो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर ये ऐसे है, यानी एक नोट्स बना हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को एनहेंस करने में, उसको समझने के लिए आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस आपको जो है 108 रुपये पड़ेगा। अगर हम लोग एंटायर बुक का अगर बात करें, जितना भी मैंने बुक के बारे में बताया, अगर इतना सारा बुक अगर आप परचेज करते हैं तो इसका टोटल प्राइस हो जाता है 1237 रुपये, जो कि पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चे, पॉसिबल तो है, बच्चे खरीद सकते हैं, लेकिन सब बच्चों को पता है जो पैसे वो बुक्स में खर्च करेंगे वो पैसे वे लोग या तो बैंक अकाउंट में सेविंग करेंगे या फिर वो जींस पैंट या कुर्ती टॉप वगैरह जो है हो जाएगा। तो किताब में बच्चे पैसे खर्च नहीं करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसे एक एक करके आप परचेस कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा सुविधा जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम के लिए आपको वेट करना पड़ता है। मार्केट में एक विद्या पेपर मिलता है, विद्या पेपर का प्राइस जो है वो 30 से 40 रुपये के बीच में होता है, ये वेरी करता है मार्केट टू मार्केट। तो आप उसे परचेज करके उसका आंसर को फॉलो मत कीजिएगा, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन हेल्पफुल होता है, उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आप जो है ना अच्छा से मार्क्स ला पाएंगे उसको भी पढ़ करके आप, तो वो भी अच्छा रहता है। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम यही है कि एग्ज़ाम जिस समय होने वाला होता है उसका 15 दिन 20 दिन या एक महीना पहले ही उसको पब्लिश किया जाता है, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है। अभी मार्केट में वो अवेलेबल है तो उसको भी पढ़ सकते हैं, और अगर उससे भी अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो फिर दूसरा ऑप्शन यही है, नीचे आप देख लीजिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको हेल्पफुल वीडियो जो है वो देता रहता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बना देने के लिए। अपना प्रॉब्लम को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।